अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वुल्फ ऑफ लाइफ आई एम तहसिन कमल डूइंग माय पीएचडी सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट एजुकेशन इन कोरिया लाइक अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए कोरिया जाना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसेस लाइक इसमें मैं और कोशिश करूँगा कि सारा प्रोसेस बताऊँ लेट्स से मुल्क के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से स्कॉलरशिप्स के हवाले से एडमिशन और अप्लाई कैसे किया जा सकता है उसके हवाले से uh, कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर करता हूँ मैं कम से कम टाइम में मैंने कोरिया में तीन साल गुजारे हैं वहाँ पर मैंने मास्टर्स किया है कुछ देर जॉब की है पी के लिए भी इन रहा हूँ कुछ अरसे के लिए तो आई नो वेटी मचार्टूडेंट के हवाले से ना चलें जी मुल्क के हवाले से बात करते हैं मुल्क काफ़ी अच्छा है छोटा सा मुल्क कंट्री है एशिया में आता है एंड काफ़ी डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी के लिहाज से और मैं अभी यूरोप में हूँ यूरोप में भी मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं नज़र आती जितना मुझे कोरिया में फील हुआ था कि कोरिया ज़्यादा हाई टेक कंट्री है फैसिलिटीज़ के लिहाज से फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं लोग काफ़ी ओनेस्ट हैं और मैं कहते हैं ना कि यार अमन पसंद लोग हैं इस हवाले से कि जिनके साथ बंदा अच्छे से गुजार सकता है ज़िंदगी वैसे लोग जबान वहाँ पर कोरियन बोली जाती है इट्स क्वाइट डिफरेंट दैन एनी अदर लैंग्वेज और थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में करना कल्चर उनका प्लस लैंग्वेज के लिहाज से क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो ज़बान इंग्लिश चल जाती है बाकी बाहर सोसाइटी में किसी भी शॉप पर जाना हो बस ड्राइवर के साथ या कहीं भी इंटीग्रेट करना हो अपने सोसाइटी में तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है तो बेसिक ज़बान शुरू में वैसे सिखाते हैं आप किसी भी स्कॉलरशिप पर जाओ या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो उन्होंने फ्री के कोर्सेज़ रखे होते हैं जबान के तो थोड़ा सा बंदा सीख लेता है मैंने भी थोड़ी बहुत सीख ली थी वहाँ पर तो जी ये मुलाक के हवाले से हो गया ओवरऑल आप अगर चले जाएँ वहाँ पर तो बड़ा अच्छा आपको एक मतलब एक अच्छा डिसीजन होता है बंदे का की अच्छी लाइफ गुजरती है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कोरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी में मतलब कि हाई रैंक यूनिवर्सटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि जिसमें लाइक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जिनकी अच्छी हो जिस तरह हाइस्ट है एस एन यू है सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है कोरिया यूनिवर्सिटी है योनसे यूनिवर्सिटीज़ है इनकी रैंकिंग जो है ना लेट्स आई थिंक एस एन यू की ट्वेंटी वन है इक्कीस है इस तरह हाईस्ट की कोई फोर्टी 40 सोटी 40 है योनसे के कोई सेवेंटीज़ में है कोरिया यूनिवर्सिटीज़ की भी आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट लेस देन हंड्रेड है कोई पोजिशन तो रैंकिंग काफ़ी अच्छी है तो मैंने तीन चार यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो बहुत सारी उनकी यूनिवर्सिटीज हैं जो अंडर लाइक like, क्यू एस रैंकिंग वर्ल्ड वाइड पाँच सौ की रैंकिंग में फॉल करती हैं आप बैचलर्स में भी जा सकते हो वहाँ पर मास्टर्स के लिए जा सकते हो पी एच डी पोस्ट ऑफ एंड जॉब्स के लिहाज से मतलब जा सकते हो तो बैचलर्स के लिए मोस्टली प्रोग्राम वैसे तो कोरियन uh, में होते हैं बहुत कम ऑफर होते हैं जो इंग्लिश में भी हैं मिल जाते हैं वैसे इंग्लिश वाले भी बट मोस्टली जो है वो कोरियन वाले होते हैं इसमें आपको कोरियन फिर सीखनी पड़ती है uh, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ जो उनमें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे प्रोग्राम्स तो ना होते हैं उनके इंग्लिश के ही होते हैं एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कोरिया में अगर आपने जाना चाहते हैं नट से बैचलर्स सॉरी मैट्रिक वाले लोग अगर मूव करना चाहते हैं वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े के हवाले से तो आप लैंग्वेज के वीज़े पे जा सकते हो नी के आप लैंग्वेज क्लासेस के लिए इन कर सकते हो कोरिया में किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में तो उसके बेस पे आप जा सकते हो वहाँ पर मैंने बहुत सारे वतनामीज़ काज उज़्बेक रशियन इंडियन लोग देखते जो वहाँ पर जो इस ज़ुबान सीखने के लिए आए हुए थे वहाँ पर पाकिस्तानी मुझे कोई नज़र नहीं आया था वैसे तो ये एक अच्छा चांस है जो पाकिस्तानी भी यूज़ कर सकते हैं फ़ीस होती है इसके लिए बट इन ज़्यादा फीस नहीं होती फीस के वाले से आगे हम बात करते हैं एडमिशन बल्कि इधर ही चले बता देते हैं आ, यूजली फ़ीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की वो अगर तो आप जा रहे हैं लेट से मोस्टली लोग बैचलर मास्टर पीएचडी पे मैंने स्कॉलरशिप पे देखे हैं बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो यार फीस देने वाले हों जो फीस देने वाले होते हैं उनकी फ़ीस मेरे ख्याल से चार से पाँच मिलियन होती है कोरियन वन पर सेमेस्टर की तो पाँच मिलियन का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन आठ लाख आठ नौ लाख मेरे ख्याल से बनता है तो स्टिल इट्स क्वाइट लो एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर कनेडा या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके मुकाबले में बहुत कम फीस है ये वाली और आप इस फीस की आप किस्तों में भी दे सकते हैं अगर तो आपकी पाँच मिलियन है फ़ीस तो पाँच मिलियन की आपने किस्तें पाँच मिलियन है या ढाई मिलियन मेरे दिन में भी एक मिनट लेट मी रीथिंक थिंक आई थिंक पाँच मिलियन साल की फ़ीस मैं बता रहा हूँ मेरे जहमे भी आया पाँच मिलियन ये साल की फ़ीस है तो देख लें काफ़ी कम फ़ीस है ये वाली और लैंग्वेज स्कूल के लिए अगर आप जा रहे हो तो लैंग्वेज स्कूल के लिए भी तकरीबन दो मिलियन शायद फीस है दो मिलियन दो से तीन मिलियन फीस है तो मिलियन ये करेंसी कोरियन में बता रहा हूँ कोरियन वाहन तो इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिलियन तकरीबन तो एक लाख या डेढ़ लाख करीब हो रहा है पाकिस्तान की करेंसी भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है तो मतलब कि जब मैं था वहाँ पर तब तकरीबन सात लाख करियन वाहन जो थे वो एक लाख पाकिस्तानी बनता था आगे आ जाएं जी स्कॉलरशिप के हवाले से स्कॉलरशिप्स कोरिया में जो हैं जीके स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या जी के इस्कॉलरशिप पोटको इस्कालरशिप काफ़ी फेमस है और भी स्कॉलरशिप हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की कोलेबोरेशन से होते हैं बट इनके अलावा जो मैंने जो ज्यादा लोग देखे हैं वहाँ पर वो तो यहाँ फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आए होते हैं या फिर बहुत सारे लोग प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे आए होते हैं ये वाला कल्चर बहुत सारा ज़्यादा है अच्छा जी अवेलेबिलिटी की बात करें तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभी मैं यूरोप में हूँ तो यूरोप में इतना स्कॉलरशिप्स का कल्चर नहीं है जितना कोरिया में है मैंने कोरिया में तीन साल गुजारे हैं मैंने जितने भी मेरे लिंक्स बने हैं ना वहाँ पर लाइक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें तकरीबन तो नाइन्टी परसेंट लोग वहाँ पर स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए आए हुए थे दस परसेंट लोग यहाँ उससे भी कम लोग हैं जो मुझे मिले हैं जो लोग लाइक फ़ीस दे के पढ़ने वाले हों तो मतलब हिसाब लगा लो कितने ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं अभी यहाँ पर यूरोप में हर कोई यहाँ उल्टा हिसाब है तकरीबन तो दस लोग लोगरशिप्स वाले हैं नाइन्टी परसेंट लोग जो हैं वो पैसे दे के फीस दे के पढ़ने वाले होते हैं ठीक आए होते हैं या फिर शुरू में फ़ीस दे के आए होते हैं फिर यहाँ आके कोई ना कोई जुगाड़ लगा होता है उनका तो इस तरह वाला हिसाब मतलब कि अवेलेबिलिटी या नंबर ऑफ अमाउंट स्कॉलरशिप्स कोरिया में बहुत सारे हैं और अमाउंट क्या दी जाती है अमाउंट के हवाले से यह कि बैचलर्स वालों को अगर हम नेट से जी की बात करें तो मेरे ख्याल से सॉरी मैं गलत नंबर ना बता दूँ मास्टर्स के लिए उनको एक मिलियन मिला जब मिलता है बैचलर्स की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अगर आप जाओ आपको तो आपको तकबा चार लाख मिलता है कुर वन और मास्टर्स आम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आपको एक मिलियन से डेढ़ मिलियन तक मिलता है और पीएचडी एच डी का तकरीब डेढ़ मिलियन से दो मिलियन तक मिलते हैं पैसे आपको पोस्टाक के भी ऊपर से बट एक चीज़ बड़ी बुरी मुझे लगी है वैसे यहाँ पर जो कि यूरोप में नहीं है वो ये है कि जो स्कॉलरशिप्स है ना ये अमाउंट प्रोफेसर टू तो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी बैरी करती है वहाँ पर और एक यूनिवर्सिटी में लेट से वो डिपेंड करता है ना जितना जुगाड़ लग जाए जिसका किसी स्टूडेंट को डिफरेंट पैसे प्रोफेसर दे रहा होता है किसी को डिफरेंट दे रहा होता मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट डिफाइन नहीं है मैंने कुछ स्टूडेंट देखे हैं जो पी के जो एक मिलियन भी ले रहे हैं और कुछ स्टूडेंट मास्टर्स के भी एक मिलियन ले रहे हैं बल्कि ज़्यादा ले रहे हैं तो ये डिपेंड करता है वो आपके ऊपर भी आप प्रोफेसर से कितनी अमाउंट पर राजी होते हो तो बट ओवरऑल अगर मैं एवरेज बताऊँ तो आराम से पी वालों को डेढ़ मिलियन या ए वन पॉइंट सेवन एट मिलियन आराम से मिल जाता है और मास्टर्स वाले भी एक मिलियन ले, ले लेते हैं आराम से तो ये भी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है आप अच्छा अच्छी लाइफ गुजारने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो मैंने बड़ी अच्छी सेविंग कर ली थी अपने मास्टर्स के दौर में मुझे तकरीबन मैं एक अच्छे स्कॉलरशिप पे था तो मुझे वन पॉइंट सेवन मिलियन मिलते थे पैसे हाँ मास्टर्स के बेच में वहाँ पर आगे आ जाए जी एडमिशन्स के हवाले से एडमिशन की टाइम लाइन क्राइटेरिया यूजली कोरिया में अच्छी बात है कि एडमिशन साल में दो दफ़ा कुछ यूनिवर्सिटी में तीन दफ़ा भी ओपन होते हैं मेन इनटेक्स जो है कि एक सितंबर वाली इंटेक है जिसके एडमिशन आई थिंक अप्रैल मई जून में ओपन होते हैं और दूसरी इनटेक जनवरी वाली इनटेक है जिसके एडमिशन सितंबर और नवंबर सितंबर के बाद कौन सा महीना होता है सितंबर अक्टूबर लाइक सितंबर अक्टूबर में ओपन होते हैं एंड ये टाइमलाइन है क्राइटेरिया क्या है जी क्राइटेरिया बड़ा आसान सा क्राइटेरिया इनका आपके पास डिग्री हो जो भी अगर आप मास्टर्स अप्लाई हैं तो बैचलर्स की डिग्री हो इंग्लिश के लिए कुछ ना कुछ आपकी हो आई की पी टी ई आइल्स टॉफल वगैरह हो इसकी भी रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से सिक्स है सिक्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है प्रोसेस क्या है जी प्रोसेस के लिए यह है कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए जिसमें आपकी सी है आपका इंग्लिश लेटर है स्टेटमेंट ऑफ परपज़ भी टू टू सर एक्सटेंड आप कह कह सकते हैं डिग्रीज आपकी अटेस्टेड हों ये, ये चीज़ें होनी चाहिए और फिर तरीकाकार है कि जिस तरह जी के ऐसे अपोट को स्कॉलरशिप्स के अपलिकेशन साल में होते हैं नॉन उसके उसके ऊपर अप्लाई किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर यूवर्सिज के लिए अप्लाई किया जाए बाकी जो स्कॉलरशिप्स के लिए हैं उसके लिए प्रोफेसर्स को ई मेल्स की जाएँ जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोफेसर्स को ईमेल करें आप सिंपली जा कर लिखें लेट्स से खाइस्ट तो आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो लिखो जी खाइस्ट कंप्यूटर साइंस फैकल्टी गूगल पे सर्च मारी फैकल्टी आ गई उनकी प्रोफाइल देखे जो रेलिवेंट प्रोफेसर हो आपको उसको आप ईमेल करें आई वुड से ट्राई टू सेंड मैक्सिमम ईमेल्स और आपको एक दो महीने के अंदर रिस्पांस आ जाएगा किसी ना किसी प्रोफेसर से स्पेशली जब आप एडमिशन लेट से सितंबर के इनटेक टेक के एडमिशन्स होते हैं मई जून में तो आप प्रोफेसर को दो महीने पहले ज़रा अप्रैल में अप्रोच करना शुरू कर देंगे प्रोफेसर ये कमिंग इनटेक में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी लैब में तो आपका काम मुझे काफ़ी पसंद आया मेरा रेलिवेंट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं सीखना चाहता हूँ आपकी लैब मेरा है कि मैं मास्टर्स या पीएचडी करना चाहता हूँ तो आपकी इस प्रोविज़न के अंडर हो जी काइंडली एक्सेप्टी ब्ला ब्ला तो जी चांसेस होते हैं सिलेक्शन के मेरी मेरी सिलेक्शन भी कुछ इसी तरह ही हुई थी एंड चांसेस एडमिशन की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली क्राइटेरिया जैसा मैंने बताया काफ़ी सौखा क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप लेने का और चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं ना तो एडमिशन के चांसेस भी बहुत सारे हैं तो जी आई थिंक दैट्स ऑल ये समरी थी आई वुड रिकमेंड कि जो लोग अभी बैचलर कर रहे हैं और अब छठे सातवें सेमेस्टर में तो उनको भी अप्लाई करना स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए जिन्होंने कर लिया है या जिन्होंने के पास मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और बता दूँ एक प्रोग्राम होता है इंटीग्रेटिव प्रोग्राम इंटीग्रेटिव प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि आ, मास्टर्स प्लस पी एच डी इकट्ठी कम्बाइंड डिग्री होती है उसमें तो आप बैचलर्स के बाद फ़ौरन जा सकते हो फ़ौरन माई लाइक यू यू आर डूइंग पी एच डी अब इसका बेनिफिट ये है कि आप कम टाइम में अपनी एजुकेशन ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हो अगर आप यूजल तरीक़ाकार फॉलो करो तो लैट से आपने बैचलर्स किया बैचलर्स के बाद दो ढाई साल का मास्टर्स किया फिर आगे आप तीन चार साल या पाँच साल की पीएचडी करते हो लेट से एवरेज टाइम पीएचडी का चार पाँच साल ही होता है वैसे और मास्टर्स का दो साल होता है तो आपकी पी आपको सात साल बाद मिलेगी बैचलर्स के और अगर आप फॉलो करोगे इस तरीक़ाकार को इंटीग्रेटिव को तो आप बैचलर्स के फ़ोर बाद आप इंटीग्रेटिव प्रोग्राम में इनरोल हुए तो ये आपकी हिम्मत है अभी हिम्मत आप चार सालों में भी कर सकते हो पाँच सालों में भी आप पी कर सकते हो आप टाइम बचा सकते हो अपना ना और एक है कि आपको मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलती आपको डायरेक्ट पी की डिग्री बैचलर्स के बाद ऑफ़र होती है तो अगर आप तो शोर है कि यार आपको लैब वाकई पसंद है काफ़ी कंट्री पसंद है काफ़ी एंड और आपने पी ही करनी है ज़िंदगी में तो आई वुड डॉक्यूमेंट के गो फॉर इंटीग्रेटिव प्रोग्राम कम मरसे में अब पी की डिग्री लें और फिर जॉब वगैरह के लिए जाएँ पैसे कमाएँ और प्रोफेसर्स भी प्रेफ़र करते हैं कि उनके पास स्टूडेंट इंटीग्रेटिव प्रोग्राम पे ही आएँ तो अगर आप अप्रोच करें प्रोफेसर्स को एंड यू कैन मेंशन कि प्रोफेसर आई वांट टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेटिव प्रोग्राम तो वो चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रोफेसर चाहता है कि स्टूडेंट उनके पास कुछ ज़्यादा लब अरसे के लिए आए शुरू में वो सीखे काम और फिर बाद में काम आप डिलीवर कर सकें प्रोफेसर को क्योंकि मास्टर्स का स्टूडेंट तकरीबन दो साल के लिए आता है शुरू में शुरू के चार पाँच छः महीने वो कल्चर को अडॉप्ट करता है फिर वो लैब को सीखने में करते करते साल हो जाता है काम जब सीखता है तो डिलीवर करने की बारी आती है तो तीन चार महीने बाद कहता है प्रोफेसर मैंने थी सी लिखना है जी तो मैं जा रहा हूँ तो वो प्रोफ़ेसर के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होती ये वाली अप्रोच तो वो प्रेफर करते हैं कि यार स्टूडेंट के पास ज़रा आए इंटीग्रेटिव चार पाँच साल के लिए आए ताकि पहले वो सीखे यहाँ पर फिर बाद में थोड़ा सा कुछ डिलीवर भी कर सके तो जी आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हों तो यू कैन मैंशन इन कमेंट अगर इफ़ यू वॉन्ट टू एड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो एड इट एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय